हाय दोस्तों, मैं हूँ सिराज और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल सिराज टेक सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हैं ये 5 टिप्स को फॉलो करके जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। हम लोग को क्या करना है, अपना हाथों को अच्छे तरह से साबुन से धोना है। अगर किसी का कफिंग है या स्नीचिंग हो रहा है तो वो लोग अपना मुँह या नाक अच्छे तरह से टिश्यू फ्लेक्स एल्बो या मास्क से ढके। और किसी का अगर ठंडा लगा है या बुखार जैसा लग रहा है या फ्लू लाइक कुछ सिम्टम दिख रहा है तो वो लोगों से हम लोग को 1 मीटर का दूरी बनाए रखना है। और कोई मीट या एग खा रहा है तो वो लोग को अच्छे तरह से वो चीज़ बॉयल करके खाना है। और हम लोग को वाइल्ड लाइफ एनिमल से दूर में रहना है या दूरी बनाए रखना है, क्लोज कॉन्टेक्ट में ना जाए। तो ये सारा टिप्स को हम लोग अगर फॉलो करें तो कोरोना वायरस को फैलने से हम लोग रोक सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं द प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू प्रोग्रामिंग इन सी वीक 10 का प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 1। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वीक 10 प्रोग्राम 1, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अलाउबल एरर ऑफ द रूट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ -3x - 5। एक सी प्रोग्रामिंग हम लोग को लिखना होगा बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला को यूज करके, जहाँ पे क्या होगा, ये गिवन इक्वेशन का रूट फाइंड होगा। तो पहले से थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है, जैसे हैच इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, देन फ्लोट फान, फ्लोट एक्स, फंक्शन फान रिटर्न द फंक्शन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। फंक्शन फान क्या रिटर्न करेगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रिटर्न करेगा। वॉइड बाइसेक्शन, फ्लोट पॉइंटर एक्स, कॉमा फ्लोट ए, कॉमा फ्लोट बी, इंट पॉइंटर आईटीआर, दिस फंक्शन कंप्यूट द रूट ऑफ द एफ ऑफ एक्स यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। ये फंक्शन मेन फंक्शन के पहले डिक्लेयर किया हुआ है, ये फंक्शन क्या करेगा, बाइसेक्शन मेथड को यूज करके एफ ऑफ एक्स का रूट फाइंड करेगा। और इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन, देन इंटीजर टाइप का आईटीआर का वैल्यू 0 इनिशियलाइज किया हुआ है, देन मैक्स एम आईटीआर, मैक्सिमम आईटीआर 10, देन फ्लोट एक्स, फ्लोट एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, देन ए इक्वल टू 1.0, बी इक्वल टू 2.0, ऑल एरर कॉमा x1, x इज द वैल्यू ऑफ द रूट इन ईच इटरेशन, x1 इज द फाइनल वैल्यू, और ए एंड बी आर द इनिशियल रेंज फॉर द कैलकुलेटिंग रूट यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। स्कैनएफ फंक्शन के द्वारा एरर को हम लोग का टेस्ट केसेस से इनपुट लिया जा रहा है, देन बाइसेक्शन एम्परसाइन एक्स कॉमा ए कॉमा बी कॉमा एम्परसाइन आई टी आर, देन एक प्रिंटेफ स्टेटमेंट कॉमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। इस प्रिंटेफ स्टेटमेंट को लेकर हम लोग को क्या करना होगा, बाकी जब प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे वहाँ पे यूज़ करना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक डू लूप यूज़ करेंगे। डू इंटर ब्रासेस ओपन करेंगे, ब्रासेस ओपन करने के बाद एक इफ कंडीशन देंगे, इफ पैरेंथेसिस ओपन फान ऑफ ए, इफ फान ऑफ ए इंटू फान ऑफ एक्स लेस देन 0, देन पैरेंथेसिस क्लोज। इसके बाद क्या करेंगे, इंटर देंगे, इंटर देने के बाद लिखेंगे बी इक्वल टू एक्स सेमीकॉमा इंटर, देन लिखेंगे एल्स केस, एल्स इंटर, देन ए इक्वल टू एक्स सेमीकॉमा इंटर, देन लिखेंगे बाइसेक्शन, बाइसेक्शन पैरेंथेसिस ओपन, देन एम्परसाइन x1 कॉमा ए कॉमा बी कॉमा एम्परसाइन आईटीआर, ऊपर में जो लिखा हुआ था वही चीज, देन पैरेंथेसिस क्लोज सेमी कॉमा इंटर। देन क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन देंगे, इफ दो बार पैरेंथेसिस ओपन x1 -x पैरेंथेसिस क्लोज लेस देन 0 स्पेस लॉजिकल एंड यूज करेंगे, देन स्पेस माइनस पैरेंथेसिस ओपन x1 -x पैरेंथेसिस क्लोज लेस देन ऑल एरर, देन पैरेंथेसिस क्लोज, देन और ऑपरेशन करेंगे, और देन दो बार पैरेंथेसिस ओपन करेंगे x1 -x पैरेंथेसिस क्लोज ग्रेटर देन 0 स्पेस लॉजिकल एंड स्पेस पैरेंथेसिस ओपन x1 -x देन पैरेंथेसिस क्लोज लेस देन ऑल एरर, देन पैरेंथेसिस दो बार क्लोज, देन एंटर, देन
ब्रांचेस ओपन करेंगे, एंटर देंगे, देन यहाँ पे जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है उस प्रिंट एफ स्टेटमेंट को हम लोग कॉपी करेंगे सिलेक्ट करके, तो सिलेक्ट कर लिए, देन यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर देंगे, देन लिखेंगे रिटर्न 0 सेमीकोमा एंटर ब्रैसेस क्लोज एंटर एक्स इक्वल टू एक्स वन सेमीकोमा एंटर देन अगेन ब्रैसेस क्लोज एंटर, देन व्हाइल लूप ओपन करेंगे, व्हाइल पैरेंथेसिस ओपन आई टी आर लेस देन मैक्स एम आई टी आर देन पैरेंथेसिस क्लोज, मैक्स एम का एक्स देना भूल गए तो एक्स दे दिए यहाँ पे, देन सेमीकोमा एंटर देन रिटर्न वन, रिटर्न वन सेमीकोमा एंटर देन ब्रैसेस क्लोज एंटर, देन ऊपर में जो ये फंक्शन हम लोग यूज किए थे ये दो चीज को हम लोग पहले कॉपी कर लेते हैं, पहले इसको कॉपी करेंगे क्योंकि यही चीज फिर से लिखना है, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे सेम टू सेम, सेमीकोमा सिर्फ हटाएंगे, देन एंटर देंगे, देन ब्रासेस ओपन करेंगे, देन जो इक्वेशन दिया हुआ था वो इक्वेशन रिटर्न करेगा, रिटर्न स्पेस पैंथिस ओपन टू क्यू था तो टू इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव पैंथिस क्लोज सेमीकोमा एंटर ब्रासेस क्लोज एंटर, देन ऊपर में जो दिया हुआ था ये वॉइड बाइसेक्शन ये फंक्शन को हम लोग यूज करने वाला है तो इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सेमी कॉमा को हटा देंगे, देन ब्रासेस ओपन करेंगे इंटर देने के बाद, देन क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे पॉइंटर एक्स इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू सेमी कॉमा इंटर, देन लिखेंगे प्लस प्लस पैरेंथेसिस ओपन पॉइंटर आई टी आर पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोमा इंटर ब्रैसेस क्लोज, तो इसका बाद हम लोग क्या करेंगे कॉम्पाइलर नाम पे क्लिक करके चेक कर लेंगे जो पब्लिक टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं, तो कॉम्पाइलर नाम पे क्लिक किए तो ये अभी चेक कर रहा है कि पब्लिक टेस्ट केसेस पास किया है कि नहीं, तो चलिए देख लेते हैं, तो कॉम्पाइल करने के बाद एक एरर आया है तो हम लोग देख लेंगे कौन सा जगह एरर आया है, चलिए देख लेते ऊपर में, देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट देना हम लोग भूल गए तो यहाँ पे एक ब्रैकेट दे दिए, देन कॉम्पाइलर नाम पे क्लिक करके चेक कर लेंगे कि पब्लिक टेस्ट केसेस पास किया है कि नहीं, तो देखिए जो पब्लिक टेस्ट केसेस था वन बाई वन वो पास कर चुका है, इसका बाद हम लोग क्या करेंगे सबमिट पे क्लिक करके चेक कर लेंगे जो प्राइवेट टेस्ट केसेस दिया हुआ रहता है वो पास किया है कि नहीं, तो सबमिट पे क्लिक किए तो देखिए प्राइवेट टेस्ट केसेस भी पास कर गया है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट।